तो वेलकम बैक दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि धारा 151 क्या है और पुलिस कैसे दोस्तों इसका यूज़ करती है। दोस्तों धारा 151 का प्रयोग पुलिस जन सामान्य को नियंत्रित करने के दौरान सबसे ज़्यादा करती है। जैसे कि कोई आपसी झगड़ा हुआ, ठीक है, आपसी झगड़ा हुआ तो उसमें दोस्तों यदि दोनों पक्ष सहमत हैं तो फैसला साथ के साथ दोस्तों कराई देती है। यदि कोई छोटा मोटा मामूली विवाद है तो छोटे मोटे मामूली विवाद में दोस्तों धारा 151 का यूज सबसे ज़्यादा दोस्तों जो पुलिस है वो प्रयोग में लाती है। तो धारा 151 का प्रयोग पुलिस जन सामान्य को नियंत्रित करने के दौरान सबसे ज़्यादा करती है। धारा 151 के तहत पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी को थाने से ही जमानत का दोस्तों प्रावधान है, ठीक है। यह ऐसा माना जाता है दोस्तों, या यह एक ऐसा मनमाना प्रावधान है जिसके तहत अपराध हुआ नहीं और पुलिस के मुताबिक ये कहा जाता है कि अपराध किया जा सकता था, यानी अपराध करने की कोशिश, ठीक है, अपराध करने की कोशिश दोस्तों ये आती है धारा 151 के अंतर्गत। यह एक ऐसा मनमाना दोस्तों प्रावधान है वो है जिसके तहत अपराध हुआ नहीं और पुलिस के मुताबिक ये कहा जाता है कि अपराध किया जा सकता था। इस प्रावधान के चलते कभी भी किसी को भी गिरफ्तार करके हवालत में बंद कर देना पुलिस के बाएं हाथ का खेल है। आज़ादी से पहले यह है कानून अंग्रेजों द्वारा उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले भारतीयों को कुचलने के लिए बनाया गया था, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता में इसे आज भी स्थान दिया गया है। बता दें कि ये धारा अंग्रेजों के समय से ही हमारे संविधान का दोस्तों एक हिस्सा है जो आज भी लागू किया जाता है। तो ये है दोस्तों धारा 151। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं।